ठीक है, ये तो रेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, NH3 का डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर है। तो पॉइंट इज दिस, एक चीज ये लिख लेना कि जो डिकम्पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, जैसे प्लैटिनम की सर्फेस पे हो रहा है ये वाला प्रोसेस, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। क्यों जीरो ऑर्डर होते हैं? जीरो ऑर्डर का मतलब है कि इसके अंदर रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इक्वल टू के इंटू NH3 की पावर जीरो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर कोई चीज हो ही क्यों सकती है? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे? हाँ बोलो, फिर से बोल। तो डिपेंड नहीं कर रहा, वही मैं पूछ रहा हूं, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ये तो है। तू कह रहा है कि इसको सॉल्व कर दो ये वन हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिएक्शन में रेट अमोनिया पे डिपेंड क्यों ही नहीं, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी से हो रही है रिएक्शन। हाँ, बाहर क्या है इसमें, मतलब अगर होता तो क्या है बाहर है इसका, अगर तू बोलना चाहते। हाँ बोल दीजिए। स्पॉन्टेनियस तो है ये। अच्छा सुनो ये बात, अगर सोचो देखो, जो भी प्लैटिनम या कैटलिस्ट की सरफेस पे होती है ना, वो हो सकती है जीरो ऑर्डर। क्यों हो सकती है जीरो ऑर्डर? तुम सोचो कि ये कॉलेज है, ये जो कैटलिस्ट है एक कॉलेज है, और कॉलेज में एडमिशन की सीटें होती है लिमिटेड, है ना। तो इसी तरीके से सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इज लिमिटेड, इस सीटों पे जाके अमोनिया बैठेगा तो इसे एडमिशन मिलेगा, तो ये कुछ बन के बाहर इंजीनियर या डॉक्टर बाहर आएगा, है ना। तो ये कैटलिस्ट इज लाइक अ कॉलेज, ठीक है, और इसकी सरफेस, कैटलिस्ट इज लाइक अ कॉलेज एंड इसकी जो सरफेस है इट इज लाइक सीट जो कॉलेज में होती है, है ना। तो अगर हम बोले सरफेस लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है कॉलेज में। अब हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ पासिंग, स्टूडेंट्स का जो पास होने का रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग या नंबर ऑफ सीट्स? नंबर ऑफ सीट्स। एंड सीट्स क्या बच्चों पे डिपेंड करेंगे? नहीं, अगर बच्चे हमेशा ही उतने सीट भर ही लेते हैं तो हमेशा रेट ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सेम, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने स्टूडेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जितना भी अमोनिया है, अमोनिया चाहे जितना भी हो, पर अमोनिया जितना बैठ गया उस सीट पे उतनी तो स्पीड पे रिएक्शन होगी, ठीक है। अब कुछ बन के बाहर जाते रहेंगे हर साल तो फिर कुछ आएंगे, पर इन एनी केस वो सीटें फिक्स होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। समझ में आ गई ये रीजन? तो एक ये वाला पॉइंट लिख लेंगे जीरो ऑर्डर के बाद, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकरिंग ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकरिंग ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकरिंग ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल ये वाले बनाएंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, एक और बना लोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अकर्स ऑन गोल्ड सरफेस, तो ये दोनों जीरो ऑर्डर है। गोल्ड के सरफेस पे होने वाला HI का डिकम्पोजिशन हो या अमोनिया आयरन की और प्लैटिनम की सरफेस पे होने वाला अमोनिया का डिकम्पोजिशन, बोथ ऑफ देम आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। गोल्ड, AU गोल्ड, ठीक है, दोनों एग्जांपल्स भी लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट रेट, हमने बोला के इक्वल टू एन की पावर जीरो, तो रेट अगर जीरो ऑर्डर गिवन नहीं था क्वेश्चन में तो रेट तो कांस्टेंट के इक्वल ही हो गया, हाँ या ना? तो रेट कितना हो गया, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, हाँ या ना?
ठीक है, ये भी क्लियर है। फिर बात आती है, रेट भी क्लियर है। अब इस केस में हमें बोला गया है कि हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 बताओ, तो रेट का तुम्हें याद हो तो रेट कैसे लिखा जाता है, माइनस हाफ ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय चेंज इन टाइम। ये जो नंबर होता है इसमें हाफ नीचे आ जाता था, ठीक है। अच्छा, और N2 के लिए क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव होगा इसका चेंज, तो इसको हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो रेट इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। मतलब जो स्टोइकोमेट्री होती है वो डिवाइड में आ जाती है, और रिएक्टेंट के लिए माइनस रहता है, प्रोडक्ट के लिए प्लस रहता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे बोला जाए व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 बोलो, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो मैंने बोला था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ये होते हैं ये वाली टर्म्स, है ना। तो वो N2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट, यस और नो, तो इट विल बी इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴। दूसरा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 वुड बी ये 3 यहां पे चला जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट वुड बी एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ द रेट, सो दिस वुड गिव अस 7.5 × 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। नहीं नहीं, रेट की यूनिट तो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पे यूनिट गलत थी है। केकी कुल आ गया, तो केकी यूनिट क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए, 1 माइनस मोल पर लीटर पर सेकेंड नहीं होती, है ना। ये गड़बड़ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये यूनिट गलत दे रखी है। हाँ, क्या चीज, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, ये 3 टाइम्स ऑफ द रेट है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 3 नंबर रेट से मल्टीप्लाई होगा, तो रेट गिवन द 2.5, तो 3 टाइम्स ऑफ द रेट 7.5। शुरू से समझाऊं तो इसमें कुछ नहीं क्वेश्चन, ये तो मैंने कहानी पहले बताई, ये कहानी का तो इससे कुछ लेना देना नहीं था कॉलेज और ये वाला। क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, कैसी है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है, तो के की पावर NH3 की पावर जीरो होगी, NH ये पूरा जीरो वाला वन हो गया, तो रेट इक्वल टू के हो गया। अब इसके बाद हमने ये वाला एक रिलेशन बनाते थे स्टार्टिंग में, जो हमने बनाना सीखा था, इसके अंदर रेट विल बी माइनस ऑफ हाफ ऑफ NH3 की कंसेंट्रेशन का चेंज, और 1 टाइम्स ऑफ N2 एंड 1/3 टाइम्स ऑफ H2। क्योंकि इस रिएक्शन में अर्चित NH3 दो बार यूज हो रहा है पर हमारा रिएक्शन एक बार हो रहा है, तो इसलिए हम हाफ करते हैं, और रिएक्टेंट में हमेशा माइनस लगाते हैं जब भी रेट को इक्वेट कर लो, और प्रोडक्ट में पॉजिटिव रहता है। यहां तक तो क्लियर था, रेट की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁴। कैन आई से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू रेट, तो वो आ गया 2.5 × 10⁻⁴। ऑन दी अदर हैंड यहां पर जो H2 की कंसेंट, ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो ये 3 को हमें कहां ले जाना पड़ेगा, उधर, तो 3 टाइम्स ऑफ द रेट, तो रेट का 3 टाइम्स इज 7.5 × 10⁻⁴। क्वेश्चन में एक गलती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होनी चाहिए यूनिट, जो कि गलत दे रखी है, ठीक है। बढ़े आगे,